आई थिंक शिव आई लाइक हिम आई थिंक ही विल बी वेरी ब्रेव आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली बार टीवी कर रही हूँ इस साल मतलब लास्ट ईयर से नागिन 1.5 ईयर से चल रहा है और आई बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ऑल्सो इसलिए स्पेशल है क्योंकि फैंस ने वोट किया है तो उन्होंने इतना प्यार दिखाया है तो ऑब्वियसली आई एम गोना कम हियर एंड यू नो आने वाले प्रोजेक्ट अभी तक तो मेरा नागिन ही चल रहा है so after that only I will know because I have given all my dates to Nagin and we shoot almost 27 days in a month so uske baad jab wo khatam hoga then we will see what is happening next maine reality shows to bahut kiye I did Big Boss I've done Katrati Khiladi I did Power Couples so bahut kiye I love reality shows but ha agar koi naya exciting reality show hoga to main zarur karungi agar meri dates free ho to काफी सारे नाम आ रहे हैं अंजुम का नाम आ रहा है शिव ठाकरे प्रियंका चोपड़ा किसके लिए आई थिंक शिव आई लाइक हिम आई थिंक ही विल बी वेरी ब्रेव आई थिंक अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर इन रियल हो आपको रियलाइज नहीं होता लेकिन आपको बहुत मुश्किलें होती हैं बट अगर आप सिर्फ एक किरदार निभा रहे हो एंड इफ यू आर पॉजिटिव एज अ पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता एंड जैसे आपने कहा आई हैव एक्चुअली नेवर गॉट हेट नॉर्मली मैं ट्विटर पे नहीं हूँ बट एवरीबडी जस्ट कीप सेइंग दैट यू नो ट्विटर पे इट्स लाइक वी लव नंदिनी कपूर वी लव शुभवी बट वी हेट नंदिनी कपूर तो मुझे कभी एक्चुअली एज शुभवी हेट नहीं मिला है दे से मैम यू परफॉर्म सो वेल बट वी डोंट लाइक योर कैरेक्टर सो इट्स जस्ट ऑलवेज दैट अरे मैं प्रोजेक्ट्स तो आई एम टेलिंग यू मैं ऐसे अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट करती नहीं हूँ मुझे म्यूजिक वीडियोस भी बहुत पसंद है मुझे एड्स भी बहुत पसंद है इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव द राइट कंटेंट एंड द राइट कैरेक्टर इफ यू फील इट यू कैन डू इट कितना मुश्किल होता है बिकॉज़ कई औरतें नहीं अपने लिए स्टैंड ले पाती हैं बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप अपने मन की बात आप सामने नहीं रख पाते हो या आप जब रखते हो तो आपको गलत समझा जाता है तो आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए स्पेशली द वुमेन यू नो जो ये दबा के रखती है अपने मन में तो उससे उनकी यू नो फिज़िकल मेंटल सब हेल्थ ख़राब हो जाती है सो बस अपने मन की बात को सामने रखिए बाकी जो समझना होगा वो समझेंगे जो नहीं समझेंगे वो अनाड़ी है अच्छा हम आपको कब देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन्स पर फैंस बहुत अभी जौहरी मैंने शूट कर लिया है निशान के साथ सो वो बहुत जल्दी आने वाला है उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर समथिंग न्यू समथिंग एक्साइटिंग तो जैसे कुछ आएगा तो अच्छा हम आपको कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं दिस इज अ वेब सीरीज आई वाज वर्किंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है सो आई गेस उसमें सबसे जल्दी देख सकते हैं आप और रियलिटी शो का भी बहुत ज्यादा बज़ है मैंने खतरों के खिलाड़ी तो किया हुआ है अभी रिसेंटली एज अ गेस्ट आई वेंट टू एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल रियली एंजॉयड सबके साथ तो आई गेस दैट वाज माय लास्ट मे बी बिग बॉस जहां पे आपकी पर्सनालिटी स्टैंड आउट अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं अच्छा अदनान आप शो तो कर रहे हैं शो भी बहुत सक्सेसफुल रहा थैंक यू बट इसके अलावा कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं जैसे म्यूजिक वीडियो हो गया या कोई और प्रोजेक्ट There I'm talking with people for music videos, but something I'm excited about is my own project, जो मैंने direct and produce किया है, and that is in post production right now. So that is something I'm focusing on. Which is that? कोई hint अगर आप दे हमारे It's my own short film. It's called Imagine. अच्छा fans सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपके और Michael की शादी के तो उसकी क्या अपडेट यही है कि 2 महीने में शादी है ऑलमोस्ट 80% चीज़ें तो हो चुका है लाइक तैयारियां वगैरह अभी भी 20% बाकी है और समय बहुत ही कम है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड वेरी 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 एक्साइटेड इट इज़ अ डेस्टिनेशन वेडिंग हम जर्मनी में जो फर्स्ट वेडिंग है वो हम जर्मनी में कर रहे हैं और सेकेंड वेडिंग हम करेंगे इंडिया में और या इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग तो